हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो देखिए मैं यहां पर दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करूंगा सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल है ओके okay, इससे रिलेटेड बातें करूंगा दूसरे की बात करूं तो दूसरा है मैटरी दोनों से रिलेटेड बातें करेंगे और दोनों के बीच बताने का पीछे का रीजन क्या है उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा रही है और क्यों दिखाई दे रही है सब्सक्राइब बेलाइकन को हेट ऑलिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो में आपको बताया जा सके सिखाया जा सके और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना और यहाँ पर ये पेट्रोनेट एल से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए जाके ये देखिए काफी यहाँ पर ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है और काफी सारी चीजें सीखने को यहाँ पर मिलेगी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और उसकी तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल मोतीलाल ओसवाल ने एक अभी यहाँ पर यहाँ पर आप नीचे जाएंगे इनके डॉक्यूमेंट्स में तो यहाँ पर बाईबैक से रिलेटेड दोनों स्टॉक्स में बाई होने वाला है ओके okay, पहली बता देता हूँ तो बाईब से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज आई है और बाई बैक यहाँ पर कितने का तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बाईब का इन्होंने जो प्राइस रखा है ओके okay, वो यहाँ पर रखा है ग्यारह सौ रुपए यहाँ पर आप देखेंगे ग्यारह सौ रुपये का यहाँ पर बाई है और लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर देखे लगभग वन आ, करोड़ रुपीज का ओके okay, यहाँ पर एक करोड़ रुपीज का यहाँ पर बाईबैक होना है जो की यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बाईबैक होने जा रहा है और ये जो बाईबैक होगा ओके okay, कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी यहां पर देता हुआ नजर आएगा क्योंकि अभी जब प्राइस देखते हैं हम मोतीलाल का तो मोतीलाल का प्राइस है आठ रुपए और जब हम ग्यारह सौ रुपए पे यहाँ पर जाते हैं तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर लगभग लगभग बत्तीस परसेंट का यहाँ पर हमें टारगेट दिखाई देता है कि बत्तीस का यहाँ पर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएगा आज के हिसाब से अगेंस्ट अगर हम बात करूं सेम यहाँ पर एक और कंपनी है जिसका नाम है मैट्रीमोनी ओके okay, मैट्रीमोनी तो यहाँ पर भी आप जाएंगे इनके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको यहाँ पर पता चलेगा यहाँ पर भी इन्होंने बाईबैक निकाला है यहाँ पर एक यह बार देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे चल के तो यहाँ पर और समझ में आ जाएगा तो इन्होंने भी बाईबैक निकाला और इन्होंने बाईबैक कितने का निकाला है इन्होंने भी बाईबैक निकाला है ग्यारह सौ पचास रुपए का एक बार देख लेते हैं यहाँ पर है अदरवाइज आपको मिल जाएगा एक बार आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बार सर्च कर लेते हैं बाईबैक है कि नहीं Hmm. तो देखिए इन्होंने भी बाईबैक निकाला है यहां पर देखिए हैज द डिविडेंड प्लस बाईबैक दोनों यहाँ पर इन्होंने देखते हुए नजर आया और बाईबैक कितने का है बाई है बाईब पर अगेन यहां पर ग्यारह सौ पचास रुपए का तो यहाँ पर मैं मैट्रीमोनी की अगर बात करूं मैट्रीमोनी में यहाँ पर बाई है सीधे ग्यारह सौ पचास तो यहाँ पर बत्तीस रुपए का बत्तीस परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पर से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ग्यारह सो पचास पे अगर हम जाते हैं तो ग्यारह सौ पचास सिंपल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है Okay, यहाँ पर सीधे उनचास परसेंट से भी ज्यादा के यहां पर रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं ओके okay, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है ओके okay, कहने का मतलब यह है कि यहां पर बैठे बिठाए एक में लगभग 50 परसेंट एक में यहाँ पर लगभग 30 परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है एवरेज में तो अच्छा खासा यहाँ पर एवरेज में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है तो ये आपका यहाँ पर शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे बाईबैक से रिलेटेड बातें करेंगे और कंपनी के इससे रिलेटेड बातें करेंगे तो सबसे पहले हम मेट्रीमोनी तो लैट्रीमोनी से रिलेटेड बातें कर लेते हैं मेट्रीमोनी करती क्या है वो आपको पता ही है अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग रिलीजियस वे में आप यहाँ पर जाके ब्राइड और ब्राइड ग्रूम पर सर्च कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में अगर हम यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखें वो कंपनी कुछ फीस लेती है और यहाँ पर मैच मेकिंग का, का काम करती हुई दिखाई देती है पी बत्तीस का इंडस्ट्री का बाईस का कही कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है बट स्टिल शेयर यहाँ पर बारह सौ उन्नीस से यहाँ पर क्रैश होकर लगभग सात सौ अड़सठ पे चल रहा है आरओ सी आर ओ ही काफी बेहतरीन और लगभग डेट फ्री ही का बीस परसेंट के आसपास का डेट है ज्यादा डेट है भी नहीं और यहाँ पर देखे सेल्स की बात तो

दोबारा से शादियों का सीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव फैक्टर इनके लिए रहता है तो यहाँ पर एक दो महीने इस क्वार्टर के रिजल्ट और इस कंपनी के बेहतर आते हुए दिखाई देंगे क्यों क्योंकि हिंदुओं की शादी अगर मैं बात करूं इस जून जुलाई के बाद यहाँ पर बंद जुलाई के बाद बंद होती हुई नजर आएगी फोर अ पीरियड ऑफ वन टू और थ्री मंथ्स फिर उसके बाद जब ओपन होगी अक्टूबर नवंबर में तो अगेन दोबारा उस तरीके से बिहेव करता हुआ दिखाई देगा बट मैच मेकिंग होती हुई नजर आएगी ऐसा नहीं है कि अगर शादी बंद हो गई थी यहाँ पर ये क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी देखती सा शादी नहीं कर लेता दे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर तो इसीलिए आपको यहां पर चीजें समझने की जरूरत है ये काम कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि मैच मेकिंग ही मैच मेकिंग के साथ साथ इनका मंडप डॉट कॉम के नाम से कि पूरी फैसिलिटीज शादी मैच मेकिंग करा दी तो अब ये शादी भी यही कराते हुए दिखाई देंगे तो काफी बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं लगातार यहां पर बढ़ रहा है इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए कंपनी की एज इट इज बना हुआ है ने पर थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है डी की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है ना के बराबर और पब्लिक के पास भी देन टेन की होल्डिंग है तो यहाँ पर सीधा साधा यहाँ पर चीजें दिखाई देती है कि यहाँ पर ये शेयर अच्छे खासे यहाँ पर आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर एक मैं दो चीजें बताऊंगा ओके okay, वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ताकि यहाँ पर चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ सके जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 1150 तक आपको यहाँ पर टारगेट नजर आता है जो कि अगर 1150 में कंपनी शेयर ले रही है तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि हाँ कंपनी की वैल्यू उतनी है कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मैनेजमेंट को क्योंकि 1150 में कोई बेवकूफ तो होगा नहीं कि अब बेफल तुम्हें शेयर लेके रख ले और शेयर नीचे चला जाए ऐसा नहीं होता शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भागेगा तो दो बार इसने अटैम्प किया है यहाँ पर और यहाँ पर इसी रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ है इसके साथ साथ यहाँ पर देखिये ये इसका रजिस्टेंस है और इसका सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल बना हुआ है ओके ये इसका एक सपोर्ट नजर आता है इसे यहाँ पर थोड़ा गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है बट यहाँ पर को तोड़ा तो जाएगी। अब को तोड़ने के पीछे एक बार। बार बहुत सारे पैटर्न भी, बन रहे वो भी मैं आपको समझाता हुआ नजर आऊंगा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक कैंडल है कैंडल के बीच में अगर बहुत सारी कैंडल या एक कैंडल बन रही है फिर उसके बाद में या तो इस कैंडल के ऊपर गया तो याद रखिये एक हमेशा तेजी आप देख सकते हैं या इसके नीचे आया ओके okay, इसके नीचे गिरा तो याद रखिए एक गिरावट देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये कैंडल इसे यहाँ पर क्रॉस कर देती है तो एक जंप देखी जा सकती है जो कि 848 उसके बाद यहाँ तक और शेयर ऊपर जा सकता है अब मैं आपको कुछ बाईबैक से रिलेटेड बता देता हूँ जब भी कंपनी का बाईबैक होता है ओके मोस्टली टाइम ट्राई करते हैं शेयर की यहाँ पर उस प्राइस के आसपास या फिर उस प्राइस तक पहुंचे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप टाइम देते हैं तो ये शेयर बाई के बाद यहाँ पर यहाँ तो क्रॉस कर नहीं है और भी ऊपर जाता है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए इसके अलावा कंपनी यहाँ से आपसे शेयर ले रही है तो कहीं ना कहीं फायदा होगा और बाईबैक इसलिए लेती है कंपनी को लगता है कि हमारी कंपनी के शेयर है सस्ते में मिल रही है ओके सस्ता हो गया है बट कंपनी के पास कैश अच्छा खासा होता है तो यहाँ पर जब कंपनी का कैश होता है तो कंपनी ट्राई करती है कि हाँ हम यहाँ पर आपसे शेयर ले लेते हैं कोई इशू नहीं है दो करोड़ रुपए इनके पास कैश पड़ा हुआ है तो इसके अलावा रिजर्व पड़ा हुआ है तीन करोड़ के आसपास तो कंपनी इसलिए यहाँ पर कैश को ज्यादा रखना भी अच्छा नहीं होता तो इसलिए कंपनी यहाँ आप पर आपको बाईबैक ले लेती है तो बाईबैक से रिलेटेड ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए और इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कल जाए कल जाके यहाँ पर पचास शेयर उठा ले तो आप सोचो पचास शेयर यहाँ पर बाई बैक में दे दूंगा तो एक क्वांटिटी होती है ओके एक रेशो होता है जो कंपनी निकालती है उसके बेसिस पर ये शेयर लेते हैं अगर किसी के पास पांच शेयर है तो एक शेयर जा सकता है किसी का बीस पच्चीस शेयर है तो शायद यहाँ पर दो तीन शेयर चले जाए किसी का सौ शेयर है तो शायद तीन चार शेयर चले जाए ओके okay, इस तरीके से यहाँ पर रेशियो आता है बट शेयर का प्राइस ऊपर जाता है याद रखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो यहां पर चीजें ऊपर जाएंगी और ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर अच्छे खासे बनते हो बाकी यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कंपनी ने बॉटम बना लिया और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे ऐसा यहाँ पर होने के पूरे चांसेस है बट ऊपर एक साथ ही ब्रेकआउट भी नहीं होगा यहां पर अगर आसपास आता है तो बेच के निकलेगा नीचे आएगा फिर दोबारा यहाँ पर खरीदेगा तो मैट्रीमोनी में ये है अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो एक आध शेयर ही एक दो तीन चार शेयर ही जाएंगे एज पर द क्वांटिटी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किससे से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल दोनों एमएम एम नाम के यहाँ से स्टार्ट है कंपनी अगेन मिट क्या कंपनी है अच्छी कंपनी है पी रेशो नाइन का इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी फाइव का तो कहीं ना कहीं सस्ता है और अच्छे खासी आर है डेट हम कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि इनका काम लोन देने का है और कंपनी का अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न हम

तो यहाँ पर शेयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कंफ्यूज इन द सेंस तो देखिए मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है तो ना तो शेयर यहाँ पर गिर सकता है बट न्यूज दे दिया है बाईबैक की तो शेयर ना ना ही यहाँ पर भाग रहा था यहाँ पर एक रेंज में यहाँ पर शेयर फंसा हुआ है ओके या और इस ये इसका सपोर्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ ओके ये इसका सपोर्ट नजर आता है जब तक ये इसे होल्ड करके रखता है तब तक सब और सब कुछ अच्छा बट अगर तोड़ा तो चीजें नीचे आ सकती है और यहाँ पर सात सौ सत्ताईस तक ये चीजें नीचे आ सकती है सात सौ सत्ताईस और सात सौ बट ऊपर जाती है इसे क्रॉस करती है तो चीजें और अच्छी हो सकती है और एक एक हजार का लेवल और उसके बाद जो इसका बाईबैक का प्राइस है वहां तक टच करके तो या फिर इस लेवल को टच करके फिर नीचे आ सकती है तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेश यहाँ पर काम करिएगा ओके और अगेन बता चुका हूँ कि शेयर आपके पास कितने भी हो कुछ शेयर जाते हैं पूरे शेयर नहीं जाते तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाकी एक सपोर्ट पे ये, ए, एक और सपोर्ट पे यहाँ पर ये चीज चल रही है अगेन यहाँ पर देखिए मार्जिन पर तो इफेक्ट आया बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन अच्छे खासे आए लास्ट टाइम 45 परसेंट था तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से बेटर रह सकते हैं इस चीज को याद रखिएगा एज वेल एज यहाँ पर बात करें कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे कम हुआ बट क्वार्टरली बेसिस अच्छा खासा है तो कहीं ना कहीं मिक्स मैच uh, यहाँ पर नंबर होते हुए नजर आ रहे हैं और मिक्स नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज को आपको ध्यान में देना है बट कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो अच्छा खासा कंपनी रिटर्न दी है कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर नंबर दी डिविडेंड भी कंपनी देती है और तो रिजल्ट अच्छे खासे है boring भी, boring से पर हमें मतलब है नहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी का कैश की बात करें कंपनी के पास देखिए तरेब पन्न करोड़ का कैश है तो कैश का क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे सिंपल बाईबैक के थ्रू आपसे यहाँ पर शेयर ले लेंगे और कैश आपको दे देंगे तो यहां पर आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी के पास शेयर आ जाएंगे कंपनी का सिक्सटी के शेयर है कुछ तीन चार की यहाँ पर बाई बैक होंगे तो अगेन इनकी होल्डिंग यहाँ पर सेवेंटी थ्री सेवेंटी के आसपास आ जाएगी एफ के पास अच्छे खासे है डी के पास अच्छे खासे है और पब्लिक के पास सोलर दिखा रहा है बट टेन के आसपास ही होल्डिंग है पब्लिक के पास ज्यादा भी नहीं है तो यहाँ पर थर्टी का सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है ओके और मेट्रीमोनी में फोर्टी नाइन परसेंट का बट एवरेज निकालेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है शेयर की बात

दोनों पे दिमाग लगा के जब काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा इस चीज को याद रखिएगा तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए थैंक यू सो मच कॉल प्लस